हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सबको कंफ्यूज करती है वो है ब्रेकफास्ट में क्या लें। सब लोगों का लाइफस्टाइल हेक्टिक होता है, आपको ऑफिस जाने की जल्दी है या बच्चे जा रहे हैं या आपको खूब सारे घर के काम हैं, तो इन सब चीज़ों में हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो कि टेस्टी हो पूरी फैमिली के लिए, उसमें न्यूट्रिशन पूरा हो, साथ में वो आपको एनर्जेटिक रख सके एंड आप बहुत ही कंसंट्रेशन से अपना काम कर पाएँ। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी के हिसाब से है और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड साथ में क्रिएटिव है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज वी आर इंडियंस एंड अपना जो इंडियन खाना है वो वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ खाना है। अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो न्यूट्रिशन भी पूरा रहता है एंड इसके साथ इसमें आपकी बॉडी के हिसाब से हम कैलोरीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। बॉडी के हिसाब से मेरा मतलब है अगर आपके कोई फिटनेस गोल्स हैं तो हम इसमें आपकी कैलोरीज़ को मैनेज करते हुए इसको और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए, ब्रेकफास्ट में सबसे पहली चीज़, तो इस वीडियो को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम का लाइक 2 to 3 hours का हम एक पीरियड ले लेते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में सबसे पहले जब उठते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे सबसे पहले उठते ही आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। हाइड्रेट आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक गिलास वार्म वाटर ले सकते हो या फिर आप लेमन वाटर ले सकते हैं या फिर आप इसमें कॉपर वेसल में रात में आप पानी रख के छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में उसको हल्का सा ल्यूकवार्म करके आप ले सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप लाइक हेल्दी हैं और साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तब हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो इसके साथ अपने पानी के साथ आप 5 leaves ऑफ मीठा नीम या 5 leaves ऑफ जो हमारा कड़वा वाला जो नीम होता है उसकी आप 5 leaves ले सकते हो। तो एक तरीके से ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई एक हर्ब लाइक जब आपने ये सब चीज़ ले ली, टी मॉर्निंग में उठते ही लेना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप सबसे पहले उठते ही पानी लीजिए, उसके बाद कोई एक हर्ब, हर्ब से मेरा मतलब है जैसे मेथी हो गया, आपने 7 दिन मेथी का पानी ले लिया, आपने 7 दिन धनिए का पानी ले लिया, उसके बाद कलौंजी हो गया, अजवाइन हो गया, तो आप इसको 5 से 15 ग्राम तक इनिशियली स्टार्ट करते हो। तो 5 ग्राम आप पानी में इसको भिगो के रखिए, मॉर्निंग में आपको इसको गर्म करके पानी के साथ, बेहतर तो यही रहता है कि आप इसको चबाकर खाएं तो इसके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। तो कोई भी एक हर्ब जो कि आपके किचन में अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप इंटेक कर सकते हो। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 45 मिनट्स का जो एक्सरसाइज आपको पसंद है, लेट इट बी वॉकिंग, कार्डियो वर्कआउट हो गया आपका, योगा हो गया, जो आप करते हो वो ज़रूर आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली लोग 8 o'clock से लेकर 9:30 तक के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं जनरली ये बोलती हूँ कि लाइक उठने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, जब आप ये पानी का इंटेक कर चुके होते हैं। तो अब आप जो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो हम इसको बहुत हेल्दी बनाते हैं। अब आप हेल्दी कैसे बना सकते हैं, हम आज इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। मैं आपको 7 चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो कि बहुत हेल्दी है और आप इसको अपने आराम से घर में बना सकते हो। और एक चीज़ और है कि कुछ एडवांस करना है, कुछ एडवांस करने से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और ये आपकी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट फिट बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि जैसे कि एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए। एग का भुर्जी भी बना सकते हो, जब आप भुर्जी बनाते हो एग की तो इसके अंदर आप खूब सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए। और देखिए, हमेशा ये हम मेन ब्रेकफास्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करिए कि ये हमारा जो मेन ब्रेकफास्ट है इसके साथ एक फ्रूट एंड 1 drink आप ज़रूर रखिए। तो ये जैसे एग का आपने खूब सारा वेजिटेबल डाल के भुर्जी बना दिया, पनीर भुर्जी बना सकते हो आप, 7 दिन अलग अलग कर सकते हैं। ऑमलेट बना सकते हैं आप, ऑमलेट में आपने खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के आपने ऑमलेट बना लिया और इसको आप ले सकते हैं। फिर साथ में हम बात करते हैं पोहा की। पोहा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अगेन हम इसके अंदर खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के पोहे के साथ हम एक स्पेशल चटनीज मैं बोलती हूँ कि आप ले सकते हो, क्योंकि देखिए सब लोग बिजी हैं, हमारी मील टाइम हमारा लाइक हमें 1.5 से 2 घंटे में कुछ छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए, स्नैकिंग करनी चाहिए, हेल्दी स्नैकिंग, कई बार ये हो नहीं पाता। तो जो आपका मील टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो एक एड ऑन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चटनी बना ली,
मीठे नीम की चटनी बनती है, हरे धनिया की चटनी बनती है, टेस्ट आपका एनहांस होता है, साथ में आप इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आप ले रहे हैं, साथ में न्यू ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स का कंटेंट होता है, मिनरल्स का कंटेंट होता है, तो इस तरीके की चटनीज आप बना सकते हो। जैसे मीठे नीम की मैं बात करती हूँ, आपने मीठे नीम लिया, उसके अंदर आपने लाइक 100 ग्राम्स ऑफ लीव्स ली, आपने मीठे नीम की टेंडर लीव्स लीजिए, उसके अंदर आप 100 ग्राम्स चना ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अमचूर आप डाल सकते हो, या फिर आप मीठा सॉरी वो कैरी जो आती है, जो कच्चा आम आता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये आपकी कितनी अच्छी एक साइड डिश या चटनी तैयार हो गई जो कि हेल्दी है। और कोशिश करें, अगर बाय चांस किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर खूब सारा गार्लिक डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, मिनरल्स दे रही हैं, विटामिन्स दे रही हैं, और ये हमारी मील को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड साथ में न्यूट्रिशियस बनाती है। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एकदम गर्म होता है, आपको पसंद भी आता है, तो अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं सबके लिए तो इडली बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेजिटेबल इडली बहुत अच्छा ऑप्शन है, पालक इडली, आप खूब सारा पालक डाल सकते हैं बैटर के अंदर एंड आप इडली बना सकते हो। साथ में सांभर, उसके अंदर अगेन सब्जियां ऐड हो जाएगी, एंड इसी तरीके की या तो आप नारियल की चटनी हो गई, या मीठे नीम की चटनी हो गई, या धनिया की चटनी हो गई, इस तरीके की आप चटनी बना सकते हो। इवन सहजन मोरिंगा की चटनी आजकल बहुत फेमस है, ये एक तरीके से आप ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है, आजकल विंटर्स में आपको पालक, बथुआ, मेथी, चने का साग ये मिल रहा होगा, तो बहुत ही बढ़िया है। अभी हम बनाते हैं यहाँ पे सात्विक रोटी, जो एक तरीके से मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आप इसमें क्या करें कि आपने थोड़ा सा वीट लिया, थोड़ा सा आपने मिलेट का आटा लिया, 50-50 के रेशियो में लीजिए। मिलेट होता है जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इसको पिसवा के आप इसका आटा बना सकते हैं। 50% वीट, 50% मिलेट, साथ में आप थोड़ा सा आप इसके अंदर गार्लिक डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप इसके अंदर प्याज डाल सकते हो, और एंड कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे बथुआ हो गया, पालक हो गया, और इसको आटे में गूंथ के आप इसकी रोटी बना सकते हैं। तो ग्रीन रोटी जो होगी वो बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। चुकंदर डालते हैं तो एकदम लाल रंग की रोटी बनती है। इसको आप चटनी के साथ, कर्ड के साथ आप ले सकते हो। कर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, बिकॉज ये हमें गुड बैक्टीरियाज देता है और हमारी स्टमक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बना सकते हो। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है, इसके साथ कोशिश करें कि इन ब्रेकफास्ट के साथ आप क्लब कर सकते हो, एक साथ में कुछ पेय पदार्थ या ड्रिंक होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, ग्रीन टी हो सकता है, फ्रूट टीज हो सकती हैं, सिनेमन टी हो सकती है, और साथ में येलो टी जो आजकल बनती है, जिसके अंदर आप हल्दी एंड कड़ी पत्ता डाल के आप येलो टी बनाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। साथ में मट्ठा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ठंड में मट्ठा प्रेफर करते हैं तो वो ले सकते हो, या फिर कर्ड को आप एक एक्स्ट्रा चीज़ के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शेक्स बना सकते हैं। शेक बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे जैसे खाते नहीं हैं, तो जैसे आपने शेक बना दिए, एक फ्रूट लिया, 100 ml मिल्क लिया, उसमें थोड़े से नट्स डाले, थोड़े से सीड्स डाले, और आपने शेक बना दिया। इसी तरीके से चिया सीड को आप शेक में ऐड कर सकते हैं, चिया सीड बहुत हेल्दी होता है। तो ये छोटे छोटे एड ऑन्स होंगे जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आपकी मील्स को बहुत हेल्दी बना देंगे। एक और चीज़ है, मॉर्निंग के टाइम नट्स ज़रूर रखें अपनी डाइट में, लेट इट बी ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट से पहले 5-10 नट्स इनको अपनी डाइट में ज़रूर डालें, चेंज कर करके। एसॉर्टेड नट्स लेना सबसे बढ़िया होता है, या फिर आप थोड़े टाइम के लिए सीड्स ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीड्स आते हैं आजकल, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन सीड्स, तो इन सब सीड्स थोड़ा सा इसको आप सेक लीजिए, हल्का सा नमक ऐड करिए, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। घर पर ही बनाइए, आपको बाहर से कहीं लाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे सीड्स, ऑर्गेनिक सीड्स मंगवा सकते हैं और आप इस तरीके का एक मिक्स बना के रख सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ ऐड करते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं एंड न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप यहां पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।